Good afternoon. Namaste. Dr. Suresh, our doctor service, Gurgaon se. Socha to kuch aur baat karenge, lekin dil kar raha hai ki aaj main body ke angon se, organs se baat shuru karun. Organs bahut hain, jaise skin ek organ hai, liver ek organ hai, kidney ek organ hai, heart ek organ hai, brain ek organ hai. In sab organs mein skin ko chhod ke sabse bada organ hai liver. Aur liver sambandhit kai bimariyan hain aur kai issues hain, kai problems hain. Kai khane peene aise hain jaise sharab hai jo liver ko direct harm yani ke hani pahunchati hai. Organ ka matlab hai ki body jaise कई बार मैं बता चुका हूं कि 100 ट्रिलियन ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है. सारे सेल्स अल्टीमेटली बॉडी की मदद के लिए बने हैं ताकि बॉडी भी जिए और वो सेल्स भी जिए. मर मर के जिए चाहे वैसे जिए पर जिए. ऑर्गन्स का मतलब है एक ही किस्म का काम करने वाले सारे सेल्स इकट्ठे होके एक ही जगह टिक जाएं. तो वो जो घर बना लेते हैं उस घर को ऑर्गन बोलते हैं. और आज मैं बात करने जा रहा हूं लिवर ऑर्गन की कि लिवर क्या करता है और लिवर खराब हो जाए तो क्या होता और इसको ठीक होने के कितने चांसेस होते हैं. जब सारे सेल्स मिलके एक काम करते हैं तो वो एक काम एक्चुअली एक नहीं होता पर एक से रिलेटेड बाकी भी होते हैं. जैसे बाथरूम सिर्फ बाथ के लिए ही नहीं, बाथरूम सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए ही नहीं, बाथरूम सिर्फ शावर नहाने के लिए ही नहीं पर कुल्ला भी कर सकते हैं, मुंह भी धो सकते हैं, हाथ भी साफ कर सकते हैं वगैरह वगैरह. इसके लिए भी अलग अलग सेल्स हैं उस ऑर्गन्स में जिनके अपने ग्रुप्स हैं. कोई कुछ काम करते हैं, कोई कुछ काम करते हैं, कोई कुछ. जहां तक लिवर का सवाल है, अक्सर आदमी जो जानते हैं और मुझे पता आप वो भी नहीं जानते, अक्सर लोग वो भी नहीं जानते, तीन ही काम. एक तो फिल्टर करना, गंदगी को, बीमारी को, पॉइजन्स को, यानी कि ब्लड के लिए वो एक फिल्टर है और बहुत बढ़िया फिल्टर है. और वो फिल्टर इसलिए है कि ये नंबर टू ऑर्गन है बॉडी में जो सबसे बड़ा है. लगभग 3 पाउंड यानी के 1.25 किलो उसका वजन है और वो स्किन के बाद नंबर टू पे आता है, इतना बड़ा है. और एट ए टाइम जो टोटल ब्लड होता है उसका रफली 13% ब्लड जो है वो लिवर में रहता है. 13% बहुत होता है, सातवां हिस्सा मेरे ख्याल, अगर पहाड़े आते हो तो सातवां हिस्सा खून उसी में होता है और वो फिल्टर होते रहता है. खून आता है, फिल्टर होता है, आगे जाता है, खून आता है, फिल्टर होता है, फिर जाता है. लेकिन उतने समय में अगर लिवर को निकाल लिया जाए, निचोड़ा जाए तो उसमें 13% ब्लड निकल जाएगा. इतना जबरदस्त ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें. तो फिल्ट्रेशन इसका एक काम है, फिल्टर करना गंदगी को. गंदगी किसी किस्म की भी हो सकती है, बीमारी से लेकर, पॉइजन से लेकर, कोलेस्ट्रॉल से लेकर कई और चीजें. और दूसरा इसका पर्पस है, मेन पर्पस, टू स्टोर रेडीमेड एनर्जी. यानी कि अगर मैं आज से परसों तक भूखा रहूं बिल्कुल, सिर्फ पानी लूं, तो मुझे जीने के लिए तो एनर्जी चाहिए हर मिनट और वो चाहिए शुगर. और शुगर कई किस्म से पैदा हो सकती है, कई किस्म उसकी फॉर्म्स हैं. फैट भी शुगर बन सकती है, प्रोटीन भी शुगर बन सकती है और शुगर तो शुगर बन ही सकती है. मेजर जो फ्यूल का स्टोरेज है वो लिवर में है. उसमें शुगर ग्लाइकोजन के नाम से पाई जाती है
जो मल्टीपल चेन्स हैं पर इजीली तोड़ी जा सकती है। तो मैं अगर परसों तक भूखा रहूं तो कल सुबह से ही मेरी ग्लाइकोजन टूटनी शुरू हो जाएगी और शुगर बनेगी, इसलिए मैं अगला हफ्ता जिंदा रह सकता हूं जब भी मरण व्रत रखूं। तो सोचा तो है कि अब ना रखूं कभी भी, पहले रख के थके हूं, लेकिन अगर रखूं तो 7-8-10 दिन जो मैं जिंदा रहूंगा वो ग्लाइकोजन टूटने से, या दूसरा और स्टोर होता है जिसको बोलते हैं कीटोन बॉडीज, जो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है और फैट्स का एंड प्रोडक्ट है कीटोन बॉडीज, वो भी शुगर बन सकती हैं दोबारा। तीसरा लिवर का पर्पस जो है वो है डाइजेस्टन, यानी कुकिंग, यानी पकाना, यानी के फैट्स को तोड़ के सिंपलर फैटी एसिड्स बना के उसको शरीर में भेजना। तो एक तो हो गया फिल्ट्रेशन, गंदगी हटाना, पॉइजन हटाना, दूसरा हो गया एनर्जी स्टोर रखना, और तीसरा हो गया एनर्जी को ले आना, यानी कि डाइजेशन करने और हर चीज को पकाना। इस ऑर्गन का सबसे बड़ा फायदा एक और है कि 1/4 इसका अगर बच जाए, 1/4 25% भी बच जाए तो पूरा लिवर जितना काम कर सकता है और धीरे धीरे बढ़ के वो पूरा बन जाता है। यानी कि अगर आपका लिवर काट के आधा किसी और को दे दिया जाए तो किसी का और लिवर भी एक बन जाएगा और आपका भी एक बन जाएगा, बिल्कुल अर्थवर्म की तरह, दो टुकड़ों में काट दो उसको मिट्टी से निकाल के तो वो दो बन जाएंगे। इसीलिए जब लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो दूसरे आदमी का थोड़े से लिवर का पोर्शन लिया जाता है जो अंदर डाल दिया जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ के पूरा बन जाता है। उसको अपनी मेमोरी भी है, याददाश्त भी है, सब कुछ पता है कि टोटल मैंने कितना बनना है। तो ये तो दूसरी चीज होगी। अब बात आई कि दवाइयों की, अब बात आई डिटॉक्सिफिकेशन की, कि जब भी हम दवाई लेते हैं तो दवाई ही एक ऐसी चीज है जो अक्सर नॉर्मल खाने में नहीं आती, तो लिवर उसके लिए ट्रेंड नहीं था, लेकिन ऐसा ट्रेंड था कि अब अगर आप दवाई खाओगे तो उस दवाई को तोड़ के वो दवाई बना देगा जो शरीर को चाहिए, जो हम देते हैं, तो एक तो उसको कन्वर्ट कर देता और दूसरे उसको जला भी सकता। अगर वो दवाई खतरनाक है जो हमने खा ली है तो लिवर उसको खत्म भी कर सकता, खत्म करके फिर फिल्टर आउट कर देता टट्टी के रास्ते, या खत्म करके कुछ और ऐसा बना देता जिसको किडनी बाहर फेंक सकती है। तो ये तो डिटॉक्सिफिकेशन हो गई, ये हमारा ड्रग स्टोर हाउस हो गया जो ड्रग्स को ठीक रखता, ड्रग्स के होते हुए भी हमें फिट रखता है। डाइजेशन के लिए इसका काम है डाइजेस्टिव जूसेस बनाना, जिसको बाइल बोलते हैं, जो हरे रंग का होता है, पीले रंग का होता है, वो बाइल हमेशा कोलेस्ट्रॉल से अक्सर बनता है और उसको बाहर फेंका जाता है, बाहर आके वो गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में आके इकट्ठा हो जाता है, पित्त की थैली उसको कंसंट्रेट करती है, स्ट्रांग बनाती है, और जब हम खाना खाते हैं तो उसको छोड़ के खाने में डाल देती है ताकि खाने में फंसे हुए फैट्स जो हैं उनको वो सिंपलर कॉम्प्लेक्स फैट्स को वो सिंपलर फैट्स बना दे, फैटी एसिड्स बना दे और वो अब्जॉर्ब हो जाए और अंदर चले जाए, और कोलेस्ट्रॉल अगर अब्जॉर्ब ना हो तो उसको बाहर फेंक दे। और ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कोलेस्ट्रॉल वापस अब्जॉर्ब हो जाते हैं अनलेस अंटिल आप कच्ची सब्जियां, फल, अंकुरित चीजें, नट्स और सीड्स खा रहे हो, तो अगर ये चीजें खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल रीअब्जॉर्ब नहीं होता। और यही कारण है कि कच्ची सब्जियां, फल, अंकुरित चीजें वगैरह खाने से 15-20 दिन में ही लिवर फंक्शन भी बेटर हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल ये डिसलिपिडीमिया जिसको बोलते हैं वो भी ठीक हो जाता है। और ये पक्की बात है, ट्रायल की हुई बात है और हर बार ऐसे ही होता है।
अब डाइजेस्टिव जूसेस गए, उन्होंने पका दिया पेट को। अब ये इन एडिशन इसके तीन फंक्शन तो मैंने आपको बता दिए, पर हजारों फंक्शन है, उनमें से मेजर और बता दूं कि ये न्यूट्रिशन सेंटर भी है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन डी, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन का स्टोर हाउस भी है। तो ये वहां पड़े रहते हैं और स्टोर वहां से जब जरूरत हो तो निकाले जा सकते हैं। फिल्ट्रेशन तो इसकी होती होती है, क्योंकि इसमें खून ही खून आ रहा है तो हर सेल में जाके फिल्टर होता है। डिटॉक्सिफाई भी होता है बिल्कुल वैसे जैसे पॉइजन को निकाल दिया जाए और साफ सुथरा पानी आपको पिला दिया जाए। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो तीन में नहीं आता, वो है कि ये सिक्योरिटी गेट है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए। खाना ही और हवा, दो ही चीजें अंदर डायरेक्ट जाती हैं। हवा को तो लंग्स फिल्टर करते रहते हैं या रास्ता, लेकिन खाने को फिल्टर करने के लिए अल्टीमेटली लिवर ही है। तो खाना जब एब्जॉर्ब होता है तो सीधा पकने के बाद एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाता है और लिवर उसको फिल्टर करके उसमें से जो बैक्टीरिया हों, वायरस हों, अच्छी चीजें ना हों, पॉइजन्स हों, ड्रग्स हों, ऐसी कोई भी चीज, पेस्टिसाइड्स हों, उन सब को रोक लेता, आगे नहीं जाने देता और फिल्टर करके बाहर भेज देता वापस, और वो टट्टी के रास्ते से खत्म हो जाते हैं। लिवर का एक और फंक्शन है कि जिस तरीके से ये क्लीनिंग करता है, जैसे क्लीनिंग करता है, जैसे ये चीजें प्रोड्यूस करता है, तो ब्रेन जो है वो बिल्कुल शार्प रहता है अगर लिवर पे बोझ ना डाला जाए। आपने देखा होगा जिन लोगों का लिवर फेल हो जाता या होना शुरू होता है तो उनकी कंसंट्रेशन, मेमोरी, थिंकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब कमजोर हो जाती हैं। लोग कहते जी मैं तो बूढ़ा हो गया, थोड़ी सी ढीला हो गया हूं, वैसे मैं ठीक हूं, तो ये सब गलत है। एक्चुअली ये सब कुछ ठीक किया जा सकता है और वो ठीक सिर्फ लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करके ही किया जा सकता है। इम्प्रूव सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, अंकुरित चीजें, नट्स एंड सीड्स खाने से ही किया जा सकता है। वो अगर आप करोगे तो कभी बीमारी नहीं लगेगी, ब्रेन आपका शार्प रहेगा एंड ऑफ लाइफ तक। लिवर फ्यूल टैंक भी है ही है। फ्यूल टैंक इसलिए है कि इसमें स्टोरेज की शुगर पड़ी है या वो चीजें पड़ी हैं जो हमें चाहिए, विटामिन B12 हुआ, फोलिक एसिड हुआ, विटामिन डी हुआ, आयरन हुआ, ऐसी चीजें। और ये फ्यूल फैक्ट्री कही जाती है, कुछ लोग इसको फ्यूल फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना के लिवर में रखता है एज ए स्टोर, और बाकी से कीटोन बॉडीज रखता है एज ए स्टोर, जिनको इमरजेंसी के टाइम में दौड़ना हो, भागना हो, लंबा दौड़ना हो, भूख हड़ताल की हो या भूखा रहना पड़े तो आप जिंदा रह सकते हैं, वो कीटोन बॉडी से भी आ जाता है। इन एडिशन ये हमारी केमिकल फैक्ट्री भी है, क्योंकि ब्लड इसमें हमेशा आता है तो इसमें हमेशा फेगोसाइट्स वो हैं जो बैक्टीरिया को, वायरस को खाने के चक्कर में लगे रहते हैं या फॉरेन बॉडीज को या डेंजरस फॉरेन बॉडीज को खा जाते हैं, प्लस वो इम्यूनिटी बनाते हैं, उनको पहचान लेते हैं आगे के लिए कि अब दोबारा आएगा तो हम जोर शोर से लड़ेंगे इनसे। जैसे 1962 में वॉर हुई थी तो अब हमने वहां की सड़कें भी बेटर कर दी है, पज भी बेटर कर दी है, तो वो एक किस्म से सीख जाते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया या ऐसी इन्फेक्शन या ऐसे पॉइजन इस शरीर में आते ही रहेंगे, जब आएंगे तो हम अच्छी तरह लड़ेंगे उनसे। तो ये केमिकल फैक्ट्री भी है जो नए नए केमिकल बनाती रहती है, प्रोस्टाग्लैंडिंस बनाती रहती है और किलर सेल्स बनाती रहती ब्लड में, वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली ये ऐसी चीज है जो मोस्ट गंदगी को न्यूट्रलाइज भी कर देती है, और वही कारण है कि जब न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती तो पीलिया हो जाता है। पीलिया इसलिए होता है कि वो जो बिलिरुबिन है जो टूट के बाहर निकल के निकल जानी थी टट्टी के रास्ते, वो अब नहीं निकल पाती या ज्यादा बनती है,
क्योंकि जब ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स जब टूटते हैं, जो हर रोज टूटते हैं, एक सेल 120 दिन ही जिंदा रहता है, फिर वो सारे के सारे टूट जाते हैं। टूटते हैं तो उसमें बिलिरुबिन बनती है, वो लिवर बनाता है, वो लिवर उसको न्यूट्रलाइज करके बिलिरुबिन बनाता है, उसको बाहर फेंक देता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बनने शुरू हो जाए तो वो बिलिरुबिन शरीर के अंदर रह जाती है, तो उससे पीलिया हो जाता है, पीलिया होता है, फिर दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली मौत हो जाती है। इन सब चीजों को बचने के लिए आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि लिवर के तीन मेजर फंक्शन हैं जो मैंने बताए हैं, और फिट रखने का एक ही तरीका है कि रॉ मटेरियल खाने को दिया जाए, पका पकाया ना हो, पकाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बना। उसके बारे में नेक्स्ट टाइम में भी बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करता है यानी पकाता है। डाइजेशन की हिंदी मेरी नजर में पकाना है, वो उसको पकाता है ताकि छोटे छोटे टुकड़े और शेप बदल जाए, ऐसी जैसी ब्लड में जा सके, वहां से लिवर में जाती है, लिवर उनको फिल्टर करता रहता है, स्टोर करता रहता है और गंदगी निकालता रहता है और वापस चीजें ब्लड में भेज देता है ताकि किडनी उनकी लुक आफ्टर करे और बॉडी में वो इस्तेमाल हो सके। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप सवाल पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, वेरी नाइस टू टॉक टू यू।